जिला बुलंदशहर छोटी काशी गंगा की पावन भूमि पर वन विभाग अनूप शहर एवं पर्यावरण चेतना समिति द्वारा विश्व वेटलैंड डे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जीपी सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्य अतिथि सुनील कुमार गुप्ता, अध्यक्ष पर्यावरण चेतना समिति संचालन अनंत जिंदल ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष ने मंच के द्वारा बताया कि विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 से ईरान के रामसर शहर में सब देशों ने रामसर कौन टू नेशन मनाया। मुख्य अतिथि ने अवगत कराया कि रामसर कौन सी एक्शन के बारे में बताया, बर्ड वॉचिंग के पक्षियों की महत्व हमारी जिंदगी में भी बताया। पक्षी प्रदूषण रहित कार्य करते हैं, बीज को जगह जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अच्छी खेती में किसानों को भी मदद करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को खाकर फसल बर्बाद रोकने से बचाते हैं। संचलन करते हुए लोगों का अभिवादन कर लोगों को धन्यवाद किया। अनुपसर से संवाददाता रविंद्र कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार सभी भाइयों के लिए, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। न्यूज इंडिया टीम वन विभाग द्वारा गंगा नदी के किनारे वेटलैंड डे पर उपस्थित हैं और इनके प्रोग्राम के लिए कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जहाँ पे वृक्षारोपण होता है उसके चारों तरफ जो है सुतली बांध के या रस्सी बांध के उससे आवारा पशुओं से उनका बचाव किया है, करने की योजना है। तो जनता इस पर जो जोर दे रही है वन विभाग के द्वारा, क्या और किसी संस्था से आपने संपर्क किया है? देखिए, हमारी ये अभी एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम अभी इंडिपेंडेंट रूप में काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमें वन विभाग का पूरा सहयोग और पूरा साथ मिल रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आपने क्या उपाय किए? देखिए, हम बहुत सारी रैलीज निकालते हैं समय समय पर। अभी पिछले साल ही हमने जैसे एक वन विभाग के साथ नेशनल स्पैरो डे मतलब गौरैया दिवस मनाया था, ऐसे ही जैसे आज हम आए हैं अपनी संस्था की तरफ से वन विभाग का साथ देने और लोगों में अवेयरनेस फैलाने। बहुत बहुत धन्यवाद। को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो आज के दिन विश्व वेटलैंड दिवस मनाने का जो महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि हमारे वेटलैंड सब खत्म होते जा रहे हैं और जो शेष बचे हुए हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, तो इसके संरक्षण के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। और वेटलैंड्स में जितनी भी देशी विदेशी चिड़ियाएँ आती हैं इनके संरक्षण के बारे में बताना है हमको, बच्चों को जागरूक करना है और इसकी उपयोगिता क्यों है, क्या है, इसके विषय में बच्चों को आज जानकारी देनी है।